दुनिया की सबसे पुरानी बैंक जो कि स्टार्ट होती है 1762 में, चलते चलते 1995 की बात है, शेयर बाज़ार की उनकी एक गलती इतनी महंगी पड़ती है कि उन्हें एक ही दिन में जो है पूरी बैंक बेचनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ $1 में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सागर द इंडियन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इतनी थ्रिलिंग स्टोरी लेके आया हूं शेयर बाज़ार के रिलेटेड, जिसमें से आप है जो समझ पाएंगे कि शेयर बाज़ार एक बहुत ही गहरा समुंदर है जिसके साथ हमने कभी टशन नहीं करना चाहिए, उसको समझ के सोच के ही उसमें जो है हमने निवेश और ट्रेडिंग का काम करना चाहिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको ये स्टोरी के साथ, पूरा पिक्चराइज तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आइए देखते हैं इस स्टोरी को। ये कहानी है बेरिंग्स बैंक की जो कि स्टार्ट हुई थी 1762 में। आप समझ सकते हैं ये कितनी पुरानी बैंक थी, ये उस समय की दुनिया की सबसे पुरानी मर्चेंट बैंक थी। इसमें निकलेसन नामक एक क्लर्क काम किया करते थे। वो हमेशा से चाहते थे कि वो इस बैंक के लिए ट्रेडिंग का काम करें। एक दिन बैंक उन्हें एक बहुत बड़ा काम देती है, उन्हें इंडोनेशिया जाके वहाँ के बेरिंग बैंक के जो सारे बॉन्ड्स पेंडिंग होते हैं कई सालों से उसको सेटल करने का काम दिया जाता है। निकलेसन वहाँ जाकर बखूबी दिन रात की मेहनत से अपना वो काम महीनों में कंप्लीट करते हैं और सारा बॉन्ड सेटलमेंट अपने सीनियर्स को सबमिट करते हैं। बेरिंग बैंक में उनके इस काम की काफ़ी तारीफ होते हैं। देखते ही देखते उनका करियर पाथ एक प्रोग्रेस पे आता है। वो जल्द ही अपने एक कलीग के साथ प्यार में गिरते हैं और उनसे शादी रचा लेते हैं। अब जो है निकलेसन की लाइफ सेटल नज़र होते हुए दिख रही थी। तभी निकलेसन को जो है बेरिंग बैंक की तरफ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें सिंगापुर में बेरिंग बैंक की तरफ से ट्रेडिंग मैनेजर का काम सौंपा जाता है। साथ ही साथ उन्हें बताया जाता है कि आपको सिंगापुर के जो बेरिंग बैंक की ट्रेडिंग टीम है वहाँ तैयार करनी होगी, वही के नए बच्चों को आपको जो है रिक्रूट करके उनको ट्रेडिंग सिखाना भी होगा। निकलेसन करते भी वैसा ही है, वो एक अपनी यंग बच्चों की टीम तैयार करते हैं और चल पड़ते हैं उस ट्रेडिंग की दुनिया में। यहाँ पर जो है निकलेसन अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं ट्रेडिंग के लिए। निकलेसन को बताया जाता है कि उन्हें जो क्लाइंट खरीदने के लिए कहेंगे वही इंस्ट्रूमेंट्स उनको खरीदना है, जो क्लाइंट्स उनको बेचने के लिए कहेंगे वही इंस्ट्रूमेंट्स इनको बेचना है। निकलेसन जो है काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते थे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। उनका ट्रेडिंग स्टाइल काफ़ी अलग था। वो क्या करते थे, लंदन के रेट्स और जो सिंगापुर मार्केट के जो रेट्स होते थे उनके अंदर का जो डिफरेंस होता था, मान लीजिए अगर लंदन में किसी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस 1000 चल रही है और वही प्राइस सिंगापुर में अगर 900 चल रही है, तो ये बीच का जो $100 का जो डिफरेंस होता था वो ये कैप्चर करते थे। जहाँ महंगा है वहाँ बेचा करते थे, जहाँ सस्ता है वहाँ से ये खरीदते थे। इस तरीके से निकलेसन काफ़ी उमदा किस्म की ट्रेडिंग करते थे, जिसे हम टेक्निकल भाषा में आर्बिट्राज भी कहते हैं। और देखते ही देखते उनको इसमें काफ़ी सक्सेस मिलता है। डेली के ट्रांजेक्शन एरर्स और उनका सेटलमेंट करने के लिए वो एक 5x8 नंबर का अकाउंट बनाते हैं और उसमें वो सारे एरर्स वो सेटल किया करते थे। अब जो है उनका सक्सेस, उनकी बातें बेरिंग बैंक के चेयरमैन तक पहुंच चुकी थी। उनका ये सक्सेस देख के बेरिंग बैंक के चेयरमैन कहते हैं कि क्यों ना इसी तरीके का बिजनेस हम पूरे देश और दुनिया में किया जाए, और वो अपनी टीम के साथ इस पर मीटिंग भी करते हैं। यहाँ पर जो है डे बाय डे निकलेसन का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। अब जो है एक दिन निकलेसन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निकलेसन की जो कलीग होती है उससे एक गलती हो जाती है। निकलेसन उसको खरीदने के लिए कहते हैं पर वो जो है लड़की गलती से इंस्ट्रूमेंट बेच देती है। जब ये एरर निकलेसन को पता चलता है वो अपने सीनियर से इसके बारे में बात करते हैं। उनके सीनियर निकलेसन को कहते हैं कि उस लड़की को इस जॉब से निकाल दिया जाए, पर ये बात जो है निकलेसन को पसंद नहीं आती। निकलेसन कहते हैं कि उसे निकालना ठीक नहीं रहेगा। निकलेसन के सीनियर कहते हैं ये तुम्हारी टीम है, तुम ही इस चीज़ को संभालो। यहाँ पर वो जो लड़की है
वो निकलसन के पास आके उसका रिक्वेस्ट करती है कि उसे इस जॉब से ना निकाला जाए, उसे इस जॉब की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। निकलसन कोशिश करते हैं उसकी सारी जो गलत पोजीशन है उसको सुधारने के लिए। वो अपने सीनियर से बात करते हैं, सीनियर कहते हैं कि जो भी है उनकी पोजीशंस क्लोज कर दो, मतलब पोजीशन जो लड़की ने गलती से सेल किया था उसको खरीद लो। पर निकलसन सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ दिन रुक सकते हैं, मार्केट अपने फेवर में आएगा तो हम जो है पोजीशन क्लोज कर देंगे। पर हमेशा मार्केट अपने फेवर में काम नहीं करता दोस्तों, मार्केट जो है कंटिन्यूसली अपसाइड जाने लगता है, और देखते ही जो लॉस पहले $10,000 का था वो देखते ही देखते $50,000 तक पहुंच जाता है। अब जो है निकलसन इस लॉस को रिकवर करने के लिए डिसाइड करते हैं कि मैं अगले दिन से और ज़्यादा हेवी ट्रेडिंग और हेवी पोजिशंस पर ट्रेड करूँगा, और निकलसन करते भी वैसा है। पर मार्केट वापस से जो है दोस्तों अपसाइड जाने लगता है और निकलसन की हालात खराब होती नज़र आती है। यहाँ पर जो उनकी टीम है उनमें भी ट्रेडिंग करते हुए एक अफरा तफरी नज़र आती है और सारी चीज़ें जो है गड़बड़ाते हुए दिखने लगती हैं। उनके इस बढ़ते लॉस के चलते उन्हें ब्रोकर की तरफ से एक नोटिस भी आती है जिसमें उन्हें अधिक मार्जिन फंड की रिक्वायरमेंट बताई जाती है। दोस्तों जब भी आपकी कोई पोजीशन में अगर लॉस होता है तो आपको जो है अधिक फंड आपके ब्रोकर के पास रखना पड़ता है, जिसे हम मार्जिन फंड भी कहते हैं। अब जो है निकलसन समझ जाते हैं कि उन्हें आगे काम करने के लिए अधिक फंड की आवश्यकता होगी, और ये फंड अब वो जो कुछ बड़े कस्टमर से उनकी तरफ से ला सकते थे। तो निकलसन जो है बड़े कस्टमर्स ढूंढने की फिराक में लग जाते हैं। इसी बीच निकलसन की मुलाकात जिनेवा बैंकिंग ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं उनसे होती है। वो उन्हें एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे लिए भी जो है ट्रेडिंग का काम करें। यहाँ पर निकलसन मान लीजिए हर रोज 20 लॉट में अगर ट्रेड कर रहे होते हैं तो जिनेवा बैंकिंग के ट्रस्टी उन्हें हर रोज 4,000 लॉट में जो ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखते ही देखते निकलसन का जो प्रॉब्लम था फंड का वो सॉल्व हो चुका था, और यहाँ पर अब जो है जिनेवा बैंकिंग ट्रस्ट की तरफ से इन्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। पर निकलसन कुछ उल्टा करते हैं। निकलसन जो है कहते हैं कि सारी पोजीशंस पहले हम सेल करेंगे, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा हम और सस्ती कीमत पे पोजीशंस बाय कर लेंगे, और लकीली होता भी वैसा ही है। वो सारी पोजीशन सेल्स करते हैं और जो मार्केट है नीचे आता है और अच्छे दाम पे वो और पोजीशन खरीदते हैं, इससे जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए और बेहतर कीमत पे पोजीशंस खरीद पाते हैं या तो सेल कर पाते हैं। अब जो है निकलसन की लाइफ सेटल नज़र आते हुए दिख रही थी, सारे लॉसेस जो है रिकवर होते हुए नज़र आ रहे थे, उनकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी खुशहाल चल रही थी। देखते ही देखते निकलसन की सारी जो बाइंग पोजीशंस थी जो उन्होंने काफ़ी दिनों से होल्ड की हुई थी वो अब ऊपर जाते हुए दिख रही थी। मार्केट जो है निकेई जो जापानीज इंडेक्स है वो अपने लाइफ टाइम हाई 19,000 के लेवल पे पहुंचते हुए नज़र आ रहा था, और जब वो अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचता है निकलसन के सारे लॉसेस रिकवर होके उन्हें काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट हुआ नज़र आता है। अब जो है निकलसन काफ़ी खुश नज़र आते हैं। एक दिन फिर से जिनेवा बैंकिंग ट्रस्ट की तरफ से निकलसन के लिए बहुत बड़ी ऑर्डर की डील आती है। वो कहते हैं कि उनकी सारी पोजीशंस जो है वो सेल की जाए, मार्केट में बेच दी जाए। और यहाँ पर निकलसन और उनकी टीम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। निकलसन डिसाइड करते हैं हम सेल करने की जगह पे इसे बाय करेंगे, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा हम जो है फिर जाके सेल करेंगे, मतलब हम और महंगे दाम पे इनकी पोजीशन सेल करेंगे। और ये सारा जो ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों ये चलता है 5x8 वाले अकाउंट पे। अब जो है मार्केट इनके फेवर में नहीं जाता और जो है सारे पोजीशंस जो कि सेल करनी थी वो ये बाय करते हैं और मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है। जैसे ही दिन ख़त्म होने आता है इनका सेटलमेंट पेपर जब इन्हें मिलता है
तो ये उनके कैलकुलेशन देख के चकाचौंध रह जाते हैं। ये देखते हैं कि जो उनका लॉस हो चुका था 7.8 मिलियन डॉलर। अब जो है निकलेसन अपने क्लर्क को ऑर्डर करते हैं कि इसका मार्जिन पेमेंट के लिए 2 लाख मिलियन डॉलर की व्यवस्था की जाए। इसी बीच निकलेसन को उनके बर्लिन बैंक की तरफ से ऑडिटर का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि 7.8 मिलियन डॉलर का कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंस आइडेंटिफाई हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ पेपर्स की आवश्यकता। यहाँ पर निकलेसन फॉर्जरी करते हैं और ऐसे पेपर बनाते हैं जिससे ऐसा दर्शाया जाए कि उनके 7.8 मिलियन डॉलर एक बैंक के पास पेंडिंग है, पर वो तो लॉस था। और यहाँ पर उनकी फॉर्जरी का सिलसिला स्टार्ट होता है। वो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बना के अपने ऑडिटर्स, बर्लिन बैंक के ऑडिटर्स को फैक्स कर देते हैं। यहाँ पर जब बर्लिन बैंक की ऑडिटर उनका ये फैक्स देखती है और सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखती है, फिर भी वो समझ नहीं पाती कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, गलत हैं, और वो बर्लिन बैंक को कहती है कि सारी चीज़ें ठीक है, सही चल रही हैं। यहाँ पर निकलेसन थोड़े समय के लिए संभल जाते हैं। उन्हें लगता है कि चीज़ें सही ही हो जाएंगी, पर हमेशा ऐसा नहीं होता दोस्तों। तुरंत आप तो जानते ही हो, जापान में भूकंप के झटके लगते रहते हैं। वहाँ पर भूकंप आता है और इस तरीके की क्राइसिस की वजह से सबसे पहले शेयर बाज़ार इफ़ेक्ट होता है और शेयर बाज़ार नीचे आना स्टार्ट होता है, शेयर बाज़ार डाउनफॉल स्टार्ट करता है। अब जो है निकलेसन की सारी पोजीशंस जो जिनेवा बैंक के ट्रस्टी ने उन्हें बेचने के लिए कही थी, वो सारी बाइंग में थी और मार्केट जो है नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। और करते ही ऐसे करते करते एक दिन का जो उनका लॉस है वो पहुंच जाता है 50 मिलियन डॉलर पे। जो लॉस पहले था 7.8 मिलियन डॉलर, वो एक दिन में पहुंच गया 50 मिलियन डॉलर। अब जो है निकलेसन हताश और बेहाल नज़र आते हैं। वो अपने दोस्त से भी बात करते हैं कि उन्होंने उनके एक डमी 5x8 वाले अकाउंट में ये सारे ट्रेडिंग किए थे और उनकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर निकलेसन के फ्रेंड उनको समझाते हैं कि तू मार्केट से फाइट मत कर, जो चीज़ है वो एक्सेप्ट कर, सभी को बता दे, सभी को तेरे लॉस के बारे में बता दे और सारी पोजीशन क्लोज कर दे। पर निकलेसन के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही होती है। निकलेसन डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं तो है मार्केट से फाइट करने वाला हूँ, मैं मार्केट के नीचे गिरते हुए सारी लेवल्स पे और पोजीशन बाय करूँगा जिसकी वजह से मार्केट गिरना रुक जाएगा और शायद ऊपर जाना चालू हो जाएगा। पर दोस्तों कहा जाता है कभी भी गिरते हुए चाकू को ना पकड़े, उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और निकलेसन जो है हर गिरते हुए मार्केट में और अपनी पोजीशन बढ़ाते चलते हैं। थोड़े समय के लिए तो ये पोजीशन ऊपर भी जाने की कगार पे दिखती है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में रिट्रेसमेंट कहता है। पर गिरते हुए मार्केट को बचाना इतना आसान नहीं होता और मार्केट जो है तुरंत नीचे आना स्टार्ट होता है। निकलेसन गिरते हुए मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी से खरीदारी करते हैं। जैसे जैसे मार्केट और नीचे आते जाता है, निकलेसन और अपनी ज़्यादा पोजीशन बाइंग करते जाते हैं। आखिरकार उनके पास जितनी भी कैपिटल थी सारे क्लाइंट्स के अकाउंट में वो बाइंग करते जाते हैं और देखते ही देखते वो दिन ख़त्म हो जाता है। बात है 23 फरवरी 1995 की, दिन ख़त्म होता है, मार्केट क्लोज होता है। 19,000 के हाई से मार्केट जो है अब पहुंच चुका है 17,605। इस वक्त निकलेसन के 500 मिलियन डॉलर ख़त्म हो चुके हैं, 500 मिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है। ये सारी न्यूज़ तुरंत मीडिया में फैल जाती है। निकलेसन भाग खड़े होते हैं, सबका फ़ोन रिसीव करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे बेरिंग्स बैंक के चेयरमैन बैंक ऑफ इंग्लैंड से मदद की गुहार लगाते हैं, पर बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्हें मदद नहीं कर पाती। हर कोशिश नाकामयाब साबित नज़र आती है। आखिरकार बेरिंग बैंक के जो चेयरमैन हैं वो इस बैंक को बैंकक्रप्ट घोषित कर देते हैं।
यहाँ पर निकलेसन अपने वाइफ के साथ सिंगापुर से भागते हुए नजर आते हैं और सक्सेसफुली भाग भी जाते हैं, पर उनकी जो खबर है पूरे देश और दुनिया में फैल चुकी होती है। जैसे ही वो न्यूयॉर्क में अपनी फ्लाइट लैंड करते हैं, वहाँ पर पुलिस उनका स्वागत कर रही होती है और पुलिस उनको अपने साथ ले जाती है। और इसी तरह जो है बेरिंग्स बैंक का अंत होता है और बेरिंग बैंक्स की जो सारी लाइबिलिटीज़ और जो नुकसान है वो फॉर्मेलिटी के तौर पे सिर्फ और सिर्फ $1 में डच आईएनजी बैंक खरीद लेता है। यहाँ पर निकलेसन को 6.5 साल की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही साथ 4.5 साल की सज़ा होने के बाद उनको जो है कैंसर आइडेंटिफाई होता है और उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। इसी बीच उनकी वाइफ उनको डाइवोर्स देके अपने रास्ते चल जाती है और ये इनका आखिर में अंत हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी बैंक का अंत हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और ऐसी स्टोरीज चाहते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों।